कमजोरी को
देखकर नागरिक के सामने गर्दन झुकाते हैं कि हमको तो मालूम है कि हमको मरना ही मरना है, तो तुम्हारा और अपना वक्त जाय करने का क्या फायदा, आओ और आकर हमारी गर्दन का। अगर 90 साल का बूढ़ा भी कर्बला के मैदान में है जिसके हाथों में राशा, तो वो भी जिस हद तक मुमकिन है मुकाबला जरूर करे, मगर ये सारी तफसीलात तो व्हाट इज विलाया के उनवान में कल से शुरू होने वाली, आज तो सिर्फ इतने की बात, दोनों प्रोजेक्ट तैयार हो और बस अब जंग शुरू होने वाली। जंग के आगाज से पहले मेरे मौला मुख्तलिफ अंदाज से कुछ मैसेजेस या पैगाम पहुंचाए, जिसमें से एक जुमला आप अक्सर सुनते कि उस वक्त मेरा मजरूम इमाम जुलजना के सवाल, लेकिन एक खुतबा देना था लश्कर यजीद के सामने, तो सवारी के जानवर को बदला है। कल रात की मजलिस के मसाइब में यह जुमला आया था कि सवारी का जानवर बदला है, लेकिन वह घोड़े के बदले में दूसरा घोड़ा, सुबह आशूर घोड़े से उतर के हुसैन ऊंट पे सवार। ये भी एक पैगाम था जो आप अक्सर रोजाना से सुनते रहते। आज शब जुमा है, शब दुआ भी है, शब आमाल भी है, शब इबादत भी है, ये भी एक अफजल तरीन इबादत है, लेकिन जितनी ज्यादा इबादत से आज आप जमा करें, तो मैं तकदीर को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। एक पैगाम तो ये थी सवारी के जानवर को बदला, वो भी जरा घोड़े से ऊपर, और इस वक्त खिताब हुआ पूरे लश्कर यजीद से, उसी खिताब में मेरे मौला का जुमला था कि हाय हाथ मिन्नत जिल्लत, कि इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है, लेकिन खाली एक जुमला नहीं है, इससे पहले भी बहुत अहम पैगाम है और इस जुमले के बाद भी बहुत अहम पैगाम। दूसरी बात पूरे लश्कर यजीद से नहीं हुई, बहुत मशहूर रिवायत आप सुनते रहते हैं, मैं तो शायद जरा ज्यादा तफसील शेर बैठा। दूसरी बात, हुसैन दोबारा अपने उस सवारी ऊंट से उतर के सुलझना पर आए, दोनों फौजों के दरमियान जो खाली जगह जहां पे जंग होने वाली है वहां पर पहुंच, और अब सिर्फ उमर साथ को इशारा करके बुलाए, अब पूरे लश्कर यजीद से बात नहीं हो रही, और उमर साथ सामने आता है और उस वक्त आका ने उससे सवाल किया। अब ये जो सवाल का जवाब आप सुनते रहते हैं उससे आपके जहन में यह गलत फहमी होती है कि वो देखिए बात तो साबित हो गई कि मोहब्बत से अहले बैत नहीं, मोहब्बत से बड़ा स्नेह था मेरा है। सवाल ये था कि आए किसान साहब, मेरा तेरा क्या इख्तिलाफ है कि जो तू इस कर्बला के मैदान में मेरे खून का प्यासा बन गया है, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो जाएगी अगर मैं पूरे मुकालिमा दोहरा, लेकिन आज भी आप कर्बला मोहल्ला में जाइए और किस कसरत से मोमिनीन जा रहे हैं, एक अजीब मंजर होगा इस वक्त कर्बला, और जैसे जैसे आशूरा करीब आ रहा हो क्या कैफियत कर्बला की होगी, अब तक वो जगह मौजूद है मकाम है हमारे साथ के जहां आका हुसैन और हमारे साथ के दरमियान मुकालिमा हुआ, तो उसमें सवाल यह है कि आज क्या हमारा तुम्हारा क्या इख्तलाफ, मैं एक्चुअल वर्डिंग नहीं पढ़ रहा हूं, अपने अल्फाज में सवाल को पेश कर रहा हूं, तो हमारे साथ का जवाब यह कोट किया जाता है कि फौजन दे अभी हुसैन हमारा तुम्हारा मसाला नहीं, मसाला यह है कि तुम्हारे बाबा से जो हमको अदावत और गुस्स है वो आज हमको कर्बला में लेके आई, ये अली की दुश्मनी है जिसके बिना पे आज हम इस मैदान में कर्बला में पहुंचे, लेकिन अब यहां पे यही सवाल कि यह अली की दुश्मनी कौन वाली दुश्मनी, यकीनन इसमें बद्रो को होगा, यकीनन इसमें खंदक को हुनैन का इंतकाम शामिल हो, लेकिन असल मसाला जो अली की जो असल दुश्मनी वो थी विनायत के हवाले से, अगर अली को गदीर खून के मैदान में मौला न बनाया जाता, अब ये विनायत है क्या, ये मैं आपको आपके जहनों में ये सवाल पैदा करना चाह रहा हूं ताकि जब इसका जवाब आना शुरू, चाहे आज की मजलिस के आखिर से चाहे कल की मजलिस के शुरू से, तो आप ज्यादा तवज्जो से सुने कि असल मसाला जो था, ठीक है वो बदर का इंतकाम भी कुछ लोग लेना चाहते हैं, खुद यजीद ने भी दरबार में ये कह दिया कि कहां है मेरे को बुजुर्ग, लेकिन ये जो इतना बड़ा आलम इस्लाम का लश्कर जमा हो गया मुख्तसर में अभी कह रहा, उसके अंदर अहम तरीन बात थी कि अली के बाकी सारे फजाए फिर भी बर्दाश्त कर दिए गए, ये समझ कि इस फजाइल से बस इतना कि हमारी शख्सियत नीचे हो रही है, अली की शख्सियत बलंद हो रही है, फकीर खून का मैदान वो गोया बिजली गिर पड़ी और देखी, यही वजह है कि वो आए,
जो विनायत के हवाले से नाजिल हुई। आपने सारी जिंदगी इस आयत की तफसीर मजलिसों में सुनी तो वहां पे आप सुनते हैं कि बंदे माफ देना ही नहीं, रसूल जो तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है आज पहुंचा। तो तफसीर में आगे है नहीं मैं विनायत की अजीज वाजीब की विनायत का हुक्म दिया। किस आयत के आखिर में बदला हो या आपने मौका लेना, अल्लाह तुम्हें दुश्मनी से बचाए। ये जो दुश्मनी पैदा होने जाएगी इस विनायत के ऐलान के बाद, तो असल दुश्मनी डेवलप होगी वो इस विनायत के ऐलान के बाद होगी। यानी मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, अगर मेरा जुमला बदतमीजी का बन जाए तो मुझे माफ कीजिए। यानी कि बाकी सारे फजाइल फिर भी बर्दाश्त कर लिए मुनाफिकों, मगर ये विनायत भी अभी बर्दाश्त नहीं होगी। चुनांचे यहां पर कुरान को कहना पड़ा बंदा हो या से मौका लेना, अरे रसूल घबराओ नहीं, अल्लाह इस वक्त तुम्हें दुश्मनों से बचाएगा और महफूज रखेगा। तो ये वही दुश्मनी जो कर्बला के मैदान में निकली, और यही वजह कि सिर्फ आका हुसैन ने हमारे यहां अहले बैत के हवाले से तरकीब तसव्वुर दिया जाता। और मैं पहली मजलिस का एक जुमला दोहरा कर इस गलत तसव्वुर जो मिसअंडरस्टैंडिंग इसको बाधे वो ये कि अक्सर हमारे यहां कहा जाता खास तौर पर बनु उमैया के बाकी खुलफा और बनु अब्बास के हुक्मरान, तो देखिए पता नहीं उनको क्या हुआ था, अहले बैत हथियार न किसी के देने में न किसी के देने में, न वो जबान से कुछ कहते थे, वो अपने घर में खामोशी से बैठे हुए। और सिर्फ यह है कि इल्म फैला रहे मगर जालिमों से ये भी बर्दाश्त ना हुआ, और किसी को कैद किया और किसी को शहीद किया और किसी के हाथों में हथकड़ी डाली। आमतौर पर हम वही बात कहते जो अहले बैत के दुश्मन कहकर चले आ रहे हैं, देखा दरमया के वाकये के बाद हमने कैसा नऊज़ुबिल्लाह दुश्मनों का जुमला नकल कर रहा, करबला के वाकये के बाद हमने कैसा खानदान बनी हाशिम को आले मोहम्मद को चुप करा, फिर किसी में हिम्मत हुई हमारे सामने आए, फिर कोई हमारे मुकाबले में निकला और हम भी दुश्मन की बात को अपने बोलने और सादगी में अपने अल्फाज में दोहरा देते। देखिए हारून रशीद को पता नहीं क्या पड़ी, मेरा छठा इमाम मेरा सातवां इमाम खामोशी के साथ अपने घर में बैठा हूं कुरान की तफसीर कर रहा है, तीसरे रसूल लोगों तक पहुंचाना, ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और इन तालिबों ने यह जुल्म किया और वो जुल्म किया और वो जुल्म किया। पहला पहली मजलिस का जुमला बुखारी हमारे और आपके बारे में नहीं, वो आले मोहम्मद के दुश्मनों के बारे में, और वो यह है कि हमारा दुश्मन और अहले बैत का दुश्मन गुमराह है, बरबूद है, मफ़ूब है, ज़ालिम है, जहन्नमी है, अहमक और बेवकूफ नहीं। ठीक है मक्कार है, चालाक है, जो अल्फाज आ चुके हैं और वक्त नहीं है कि हर चीज को हर मजलिस में दोहराया जाए। तो अगर कोई शख्स ना उनके देने में है ना उनके देने में, अगर कोई शख्स जो क्या के कोने में बैठा हुआ, अगर कोई शख्स अपने घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, अगर कोई शख्स हुक्मरान के किसी मामले में मुदाखलत ही नहीं कर रहा, तो आखिर कौन सा ऐसा बेवकूफ हुक्मरान होगा कि बिना वजह उसको छेड़े या उस पर जुल्म करे। कम अज कम हारून मामून इतने बेवकूफ और अहमक नहीं, बताया ये नहीं था, बताया यही था कि जिसे हम अपने भोल पने में कहते हैं कि आले मोहम्मद ना किसी के लेने में थे ना किसी के देने में थे, हुक्मरान जुल्म करता रहे, मुसलमानों की गर्दनें कटती रहे, शरीयत को बदला जाता रहे, हराम को हलाल, हलाल को हराम किया जाए, इमाम घर की तन्हाई में खामोश बैठे हैं फिर भी जालिमों से बर्दाश्त नहीं हुआ, ऐसा नहीं। जगह जगह और कदम कदम पर उन जालिमों के सामने पैगाम यही आ रहा है कि विलायत हमारा हक है, तुम्हारा हक नहीं है। मसले विलायत पे कोई इमाम खामोश नहीं बैठा है, और यही पैगाम किसने मुख्तलिफ अंदाज से करबला के बाद भी पहुंचाया इमाम ने कि हर वक्त हुक्मरान को यह डर और खतरा रहता था। चुनाचे वो मशहूर हदीस मामून की आठवें इमाम की, एक बार उसने पूछा कि चले मौला मैं पुराने मसले को खत्म करना चाहता हूं, बागे फजल में आपको वापस देना चाहता हूं। बाद उलमा कहते हैं कि ये हारून और सातवें इमाम का वाकया, कुछ वाकयात ऐसे हैं जो तारीख में मिक्सअप हो गए, हारून के हैं कि मामून के हैं, तो सातवें इमाम के हैं कि आठवें इमाम के हैं। यहां पे मसाला न जालिम हुक्मरान के नाम का है, ना इमाम मासूम के नाम का है,
जितने जालिम है सबका एक ही सवाल, जितने मासूम इमाम है सबका एक ही जवाब। कहा कि अपने पुराने मसले को खत्म करना चाहता हूं, बाद में फजल आपको वापस करता हूं। जरा ये बता दीजिए, बहुत अरसा गुजर गया, बाबे फजल जो है वो कहां से कहां तक था, उसकी हुदूद बता दीजिए, उसका लोकेशन बता दीजिए, ताकि वो आपको वापस किया जाए। अब कई नस्लें गुजर गई, कई सदियां गुजर गई, मुकम्मल तौर पर उसका रिकॉर्ड तो मौजूद है नहीं, वो पुराना जमाना है, ये कंप्यूटराइज तो है नहीं। अब किताब बता दी, इमाम मासूम ने क्या जवाब दिया? बहुत मशहूर रिवायत है, आप सारा साल मजलिसों में सुनते। मैं तो खाली ये बताना चाह रहा हूं कि मसला हिदायत वो असल मसला था जो जालिम जुल्म कर रहे हैं और इमाम मासूम इन तमाम मसाइल में मुब्तला किए जा रहे हैं, सिर्फ मसला विलायत पर बाग फजल आपको वापस करना। क्या जवाब दिया इमाम? उस वक्त मुमलिकत इस्लामिया की जितनी भी सरहदें, पूरे मुमलिकत इस्लामिया, चंद दरियाओं के नाम लिए कि जो आजकल नाम बदल भी चुके हैं और यहां बैठ के आपको वो नाम बताने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जहां जहां तक इस्लामी मुमलिकत फैली, मसलन आज की जबान में इमाम ये कहे इंडोनेशिया से लेके मराकश तक, यह है बागे फजल जो हमारा हक है और जिसे हम मांगते हैं। पूरी मुमलिकत इस्लामी जिसमें हारून का या मामून का सिक्का चल रहा है, इमाम ने कहा यह है बागे फजल जो हमें वापस चाहिए, वापस करना है तो ये दे। बाप तो एक छोटा सा बाप, बहुत बड़ा भी होगा तो 100 किलोमीटर या 100 मील का हो। इमाम ने पूरी इस्लामी मुमलिकत मांग ली, बताया कि असल मसला बागे फजल नहीं है, असल मसला वही मसला हिदायत है, एक बात की बात नहीं थी, पूरी मुमलिकत इस्लामी की बात की। यही वजह है, या ये भी एक वजह है कि शहजादियत कौनैन का एक और लकब भी है, किसी रिवायत में तो नहीं आया, लेकिन उलमाए कराम अक्सर शहजादी के लिए एक लकब और इस्तेमाल करते हैं। शहजादी पहली शख्सियत थी जो फजल का मुकदमा लेके आगे गई। ये जो हारून मामून का वाकया है वो तो फजल में बहुत अगले स्टेज पर बात आई, सबसे पहले फजल का मसल, तो बागे फजल को लेके गई थी शहजादी इस कजियत को, इस केस को। शहजादी का एक लकब है मुहाफिज़े विलायत या मुहाफिज़े विलायत, डिफेंडर ऑफ विलायत, विलायत की पहली डिफेंडर फातिमा ज़हरा बन रही है बागे फजल के इस वाकये को। और इसके बाद जो रात की तन्हाई में शहजादी ने जिस तरह पैगाम विलायत पहुंचाया, तो मसला बागे फजल का नहीं है, मसला घर में बैठकर खाली कुरान और हदीस की तालीम देने का नहीं है, हारून मामून बेवकूफ और अहमक नहीं है, सबको मालूम है कि असल मसला विलायत है। अहले बैत के बाकी हर स्टेटस को उम्मत बर्दाश्त कर ले, मसला विलायत बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, और ये इतना अहम मसला है इस्लाम के लिए, इतना अहम मसला। शहजादी का लकब याद रखिए, विलायत की हिफाजत करने वाली, विलायत को प्रोटेक्ट करने वाली, विलायत का डिफेंस करने वाली पहली शख्सियत शहजादी कौनैन आती है। और यही पर एक जुमला मैं ऐसा कह दूं जो मुझे नहीं कहना था, लेकिन कल की मजलिस परसों की मजलिस, उसके बाद किसी ने कहा मौलाना जब आप परसों की मजलिस वाली बात बयान करते तो आगे जुमला जरूर कहते, वो आपने क्यों नहीं कहा इस बात? मैंने कहा इसलिए नहीं कहा कि आपको जबानी याद है, और फिर मैं अगर वो जुमला कह दूं तो आप कहेंगे मौलाना मैं वही पुरानी बात बोल रहा हूं। उनका जवाब भी बहुत अच्छा, मौलाना अब तक आपने सारी पुरानी बातें दोहराई है, दो दिन में तो हमने क्या कंप्लेन कर दी, एक ये बात भी दोहरा दीजिए। तो चले इसलिए दोहरा रहा हूं कि इसके हवाले से शहजादी कौन है विलायत की मुहाफिज। अब यहां पे आगे चलिए, एक हदीस सुनिए फिर मेरा वो जुमला सुनिए। जब भी मैं हदीस का वाकया पढ़ता हूं उसके साथ एक जुमला जरूर कहता हूं, लेकिन वो बयान करने से पहले हदीस और सुन लीजिए। और वो ये है कि एक बार किसी ने जाके हमारे आठवें इमाम इमाम अली इब्ने मूसा रिजा अलैहि सलातो व सलाम से सवाल किया, सवाल खुद इस बात की दलील कि आठवें इमाम के जमाने ही में ये अमरदारी कितने भरपूर तरीके से मुहिबान अहले बैत बना रहे। आजकल तो अजीब बात ये गैरों को क्या जवाब दिया जाए, अपने ही के इतने इतराजात हैं कि उसका जवाब देते देते मालूम हुआ पूरा साल गुजर जाता। अदादारी के इतराजात आज हमारी जानब से भी हो रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनकी समझ में कुछ चीज आई नहीं, इनकी कोई रूट जमीन में नहीं है, ये हवा के अंदर तैरते फिर रहे हैं, ना उनकी समझ में आजादारी आ रही है, ना उनकी समझ में विरायत आ रही है, ना उनकी समझ में मोहब्बत आ रही है, ना उनकी समझ में फजाइल आ रही है। सिलसिला जो तारीख इस्लाम का है जो
बुजुर्गों से मुंतकिल होता, वो सिलसिला इनके पास किसी वजह से कटा हुआ, तो हर चीज इनको नई नई लगती। और मेरे पास इतना वक्त है नहीं कि अपने विलायत के मौजू के साथ दूसरे मौजूद को शुरू करूं, बस एक जुमला के मौला या फतन रसूल, ये करबला के वाकये को आप लोग कितने जोरों शोर से, इन तमाम रिवायतों में अल्फाज मेरे बखूब इमाम का, कि इतने जोरों शोर से, इतने जोशो खरोश से आप करबला के वाकये को क्यों मनाते? ठीक है, गम कीजिए, माथम कीजिए, आज के कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि क्या जरूरत है सीने में हाथ मारने, चुपके चुपके रोली, और रोने की भी क्या जरूरत है, दिल का रोना ताकि होता है, आंखों में आंसू की जरूरत भी नहीं। जो हमारी औरतें कहती है कि हिजाब तो दिल का हिजाब होता है, सर के स्कार्फ की क्या अहमियत। लेकिन ये सारी बातें जो स्कार्फ के हवाले से बात आई, ये तस्वीर बाद में आएगी, अभी आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि असल हम तो दिल का बात, ये सारे के मजलिसें हो रही है, मातम हो रहे हैं और कब्र रुकात निकल रहे हैं और शबी बरामद हो रही और आलम का इंतजाम किया जा रहा है, ताबूत का इंतजाम किया जा रहा है, और तकरीर अगर 45 मिनट की है तो आपकी मजलिसों में नोहा खानी भी 1 घंटे की होती है, आखिर क्या जरूरत? तो आप इससे मिलता जुलता सवाल आपके ईमान से किया जाए, तुम्हारा पहली मुहर्रम से जो आपकी हालत बदल जाती है, अभी संघार से आप लोग करबला के वाकये को मनाते। इमाम ने जवाब दिया, अब देखिए करबला को हम क्यों इस अंदाज से मनाते हैं, इसके बहुत सारे जवाब। जब रिवायतों में किसी चीज की वजह आती तो वो ओनली रीजन ही नहीं होती, वन ऑफ द रीजन होता। जैसे अगर कोई इमाम से पूछे मौला नमाज का फायदा क्या, तो नमाज के 5,000 फायदे इमाम एक वक्त में फायदा बताए, रोजे का फायदा क्या है 10,000 फायदे हैं एक वक्त में 2 फायदे बताए जाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी। तो खैर इमाम ने कहा सुनो हम करबला किस लिए थी मनाते, ताकि ताकि तुम लोग कभी करबला को भूलने ना पाओ। हमने तो नहीं कहा कि लोगों ने खदीर को नहीं मनाया, जिसके नतीजे में आज खदीर को सब भूल के बैठ चुके हैं, हम ये नहीं चाहते कि करबला के साथ भी है। अब इस जुमले के अंदर इमाम एक तरफ इस अजादारी की अहमियत बता रहे हैं, दूसरी तरफ हिडन अंडर द लाइन इमाम का ये गम पोशीदा नजर नहीं आ रहा क्या? अब जरा मोमिनीन को थोड़ी जहमत हो रही है, आपको मेरी आदत पता कि मैं कभी आप हजरात से कोई रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन आप खुद भी देख रहे हैं कि लोग दरवाजे पे पहुंच चुके हैं और इस हॉल के अंदर जगह है, तो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से आप साबुन करें तो ये 8-10 जो मोमिनीन अभी अभी आए इनको भी बैठने की जगह मिल जाएगी, बाकी लोग इस दौरान दुरूद पेश में सवाब हासिल। शिकवा आपको नजर नहीं आ रहा? करबला को जिस अंदाज से हम मनाते हैं यकीनन यहां अदा हो रहा है, लेकिन क्या इमाम का शिकवा नहीं है खदीर को इस अंदाज से नहीं मनाया जाता? खदीर में भी हमारे यहां बहुत अगर हो तो अक्सर जगहों पे तो आजकल ये रवाज ही निकला कि उस दिन तकरीर की भी जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा खदीर का जश्न खाली शायरों के हवाले, सिर्फ ये वो शायरी कसीदा खाली तो मौलाना आज तो वाकान दिल कहता है सिर्फ शेर सुने जा और कसीदे सुने। खदीर विलायत है और विलायत वो अहम तरीन पैगाम है कि मैं 3 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि मुख्तलिफ हवालों से इसकी अहमियत वादे करके फिर अपने इस असल उन्वान पर आया कि वॉट इज विलायत। विलायत है तो इतनी है, लेकिन विलायत का मतलब क्या? दुश्मनान अहले बैत भी उससे इतना घबरा क्यों रहे थे और मुहिबान अहले बैत ने विलायत को अब तक सही तौर पे समझ क्यों ना पाए? लेकिन पहले ये तबीयत की मंजिल खत्म हो जाए। तो आले मोहम्मद की निगाह विलायत कितनी अहम चीज है कि विलायत की पहली मुहाफिजा खातून जन्नत सैयदा निसा आलमीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर इमाम मासूम ने बाग फजल को मसला विलायत के अंदर तब्दील कर दिया। खाली एक बात का मुताबा नहीं था, वो हक विलायत मांगा जा रहा, कौन सा हक विलायत? जो गदीर खुद में अल्लाह के रसूल ने मौला को दिया। और यहां पे जुमला जो हर साल में पढ़ता हूं
लोगों को जबानी याद है, फिर भी लोगों ने कहा सुना दीजिए तो सुन लीजिए। और वो ये कि पहली मजलिस में मैंने ये कहा कि जितने रिपोर्टर वकील होंगे वाकई को मिले पैगंबर की जिंदगी के और किसी वाकई को इतने रिपोर्टर नहीं। खदीर खुद वो मौका था जब मुसलमानों की तादाद मैक्सिमम थी रसूलुल्लाह के जमाने, खदीर के बाद तो फिर पैगंबर ही दुनिया से रुस्त। 18 जिलीन को खदीर का ऐलान हुआ, 24-25 जिलीन को रसूलुल्लाह मदीने पहुंचे होंगे, 2 महीने के बाद 28 अवल दुनिया से रुस्त भी हुई और इस दौरान इतने बीमार भी रहे कि मस्जिद में भी तकरीबन आना जाना बंद हो गए। तो खदीर पे मैक्सिमम मजमा मुसलमान और हाजियों का मजमा, आलम इस्लाम का सबसे शरीफ मजमा हाजियों का होना चाहिए और बाकान हाजियों ही के मजमे को विलायत का ऐलान सुनाने में मजा भी आता है। ये बात कल आएगी, अभी नहीं, ये तो विलायत वॉट इज विलायत जब मैं समझाऊंगा तब ये बात आपके सामने आएगी कि हाजियों ही को विलायत समझाने में मजा आता, मगर कितना बड़ा मजमा। और मैं यहां पर थोड़ी सी अपनी बात को जरा सा दलीलों के जरिए, दलील तो नहीं तारीखी वाकयात के जरिए साबित करता हूं। बदर के वाकये को कोई आदमी चैलेंज नहीं करता। अगर आज कोई खड़ा होकर कहे कि बदर का वाकया ही नहीं, क्या प्रूफ है इसका? 313 रिपोर्टर कुरान में इशारतन तस्किर आया, वो तफसीलात तो नहीं है। वो तो वाकया 700 मुसलमान किसी तरह खंदक किसी तरह खैबर, इससे पहले चलिए ऐलान मिसाल कि सारी की सारी चीजें ऐसी हैं कि तारीख में इस तरह से साबित है कि कोई इसको चैलेंज करता ही कोई नहीं पूछता कि अथेंटिक है कि नहीं। हर एक को मालूम है, हर मुसलमान, जब के रिपोर्टर किसी के 10 है, किसी के 15, किसी के 300, किसी के 500, किसी के 1000, किसी के 5000। गदीर खुम्बाही वाकया के 1,20,000 120,000 रिपोर्टर मौजूद। छोटे छोटे वाकयात लोगों को याद रहे और इतना बड़ा वाकया लोग भूल। लेकिन अब इसका अगला जुमला मैं कह के अपनी बात एक मंजिल पर पहुंचाता हूं और वो ये कि गदीर खुम्बा सबसे ज्यादा रिपोर्टर थे। और आज वहां आप मुसलमान भी अगर आपसे सवाल करें कि हमको नहीं पता खदीर क्या, तो सही बोल रहा, वो कोई दुश्मन एलिमेंट नहीं, उस बेचारे को किसी ने बताया ही नहीं कि खदीर क्या। बदर के बारे में नहीं पूछेगा जब सिर्फ 300 रिपोर्टर, खदीर के बारे में पूछेगा क्या 1,20,000 रिपोर्टर। मगर इससे अगला महल और वो ये है कि बदर को फिर भी 300 रिपोर्टर मिले, ऐलान रिसालत को फिर भी 200 रिपोर्टर मिले, करबला का रिपोर्टर कौन? करबला में तो हुसैन का सारा लश्कर मैदान है करबला में मारा गया, सिर्फ एक वारिस बचा मर्दों, बाकी तो खवातीन। करबला जो लॉजिक के एतबार से सबसे पहले लोगों को भूल जाना चाहिए, जंगल में एक वाकया पेश आया किसी शहर में भी, ऐलान रिसालत फिर भी मक्का शहर में ये वाकया पेश आया। और खाली जंगल ही में नहीं, एक तरफ एक लश्कर एक गुरो एक पार्टी पूरी की पूरी लोया शहीद कर दी गई और फिर तमाम दुनिया की हुकूमतें 1400 साल से उसके खिलाफ चली आ रही, तमाम दुनिया से मुराद आलम इस्लाम। ना बनू मैया ने इसके जिक्र को बर्दाश्त किया, ना बनू अब्बास ने इसके जिक्र को बर्दाश्त किया, ना उस्मानियों ने इसके जिक्र को बर्दाश्त किया, ना दीगर मुसलमान। और फिर खाली हुक्मरान ही नहीं, उलमाए इस्लाम की अक्सरियत भी इसके खिलाफ फतवा देती चली आ गई। इमाम गज़ाली का फतवा तो मशहूर हो गया, लेकिन इसके अलावा कितने फतवे दिए। फतवों की भी दो किस्में, कुछ ने यह फतवा दिया कि वाकया हुआ होगा इसका तस्करा करना हराम, कुछ ने कहा कि वाकया ही नहीं हुआ। ये भी हर दौर में ऐसे लोग गुजरे, सिलसिला चला है वहां से लेके डॉक्टर जाकिर नायक का, कोई सिलसिला अभी रुकेगा नहीं और आगे बढ़े। मगर फिर भी करबला अपनी जगह पे साबित है, जो चैलेंज कर रहे हैं करबला को वो खुद मिल गए या अपनी बात से वापिस फिर गए या अपना फतवा वापिस ले लिया। लेकिन करबला उसी अंदाज से और जरा देखी, गर्मी हो के सर्दी, किस अंदाज से लोग करबला को सुनने जमा होते हैं। एक सवाल मैं करता हूं, उसका जवाब एक जुमले में दे, फिर असल अपने अनुमान में आता। वो ये है कि वजीर खुम के 1,20,000 अस्हाब रसूल जो हज करके आए वो गवाह और वाकया अच्छे खासे पढ़े लिखे मुसलमानों को नहीं मालूम। और करबला का जाहिरी एतबार से कोई गवाह नहीं और करबला बच्चे बच्चे को मालूम। हक का सीधा रास्ता करबला, जहाजों का रास्ता करबला।
आज से अब तक और कयामत तक इंशा साबित है कि एतराज करने वाला खुद ही बैठ गया है, लेकिन करबला किसी ने आज तक शक नहीं किया। मैं इसका खुलासा निकालता हूं, वैसे बहुत दलील है खुलासा कि बजाहिर एक ही नुमाया फर्क नजर आता। गदीर का वाकया 120,000 हाजियों के बीच में पेश आया, मगर गदीर को बचाने वाली कोई सैनब हमारे पास न थी। करबला का वाकया जंगल में पेश आया और कोई रिपोर्ट न करने वाला था, मगर एक सैनब कुबरा करबला से इस तरह हमारे सामने आई कि कयामत तक के लिए करबला को बचा लिया। तो अगर हुसैन ने इस्लाम को बचाया तो सैनब ने हुसैन को बचाया, मगर ये इसलिए है कि हमारी खवातीन को भी अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानी। गदीर खून की पहली डिफेंडर भी एक औरत है फातिमा ज़हरा, करबला को सारी दुनिया में कयामत तक बचा लेने वाली भी एक खातून है ज़ैनब कुबरा। और चूंकि मेरा मौजूद विधायक वरना आहाद नबूवत में भी सबसे पहले नबूवत की का दिफा करने वाली और नबूवत की हिफाजत करने वाली भी एक औरत है खदीजा ताहिरा। हमारी औरतों को तो कंघी चोटी मेकअप रिबतें गपशप बातें और बहुत हुआ तो आजकल किचन में लगा दिया गया है, ऐसे ऐसे शेफ ऐसे ऐसे कुकिंग के प्रोग्राम तो सामने आ रहे हैं कि कभी हैरत भी होती है खाने दुनिया में खाता कौन होगा। वो एक अलग अनुमान है इंशाल्लाह मजीद तफसील के साथ। जिस दिन जनाब अब्बास का जिक्र होगा उम्मुल बनीन के हवाले से औरतों की जिम्मेदारी मजीद वादे करूंगा, लेकिन विलायत के हवाले से ही बात समझना कि विलायत में जिम्मेदारी हरेक की है, मर्द हो के औरत, बल्कि औरतों ने ज्यादा अहम रोल तारीफ बताइए ज्यादा अहम रोल प्ले किया। पहले अभी विलायत के तबीयत को मुकम्मल करो और वो ये कि अब यहां पे आप हमारे साथ विलायत के विलायत की अहमियत मुख्तलिफ अंदाज से इस तरह भी आ रही है कि हमारे पास एक रिवायत ये भी बोले अल इस्लाम अल खम्स, अल्लाह ने इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर रखी, अब सलात व सकात व सौम व हज व निहाय। इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर, नमाज है, सकात है, रोजा है, हज है और विलायत है। और इमाम फरमाते हैं इन पांचों में सबसे ज्यादा अहमियत विलायत की, नमाज से भी ज्यादा है, रोजे से भी ज्यादा है। ये जुमला जो कि गुनाहगार कानों ने सुन लिया नऊज़ुबिल्लाह, तो ईद की नियत से इसको रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन यही बताने के लिए कि हम भी अब तक विलायत की अहमियत को नहीं समझे। मौलाना कब तक आप मेंबरों से अली अली पढ़ते रहेंगे, कुछ और चीजें भी तो बयान कीजिए। ये मासूम की हदीस कि नमाज से ज्यादा, रोजे से ज्यादा, जकात से ज्यादा, हज से ज्यादा अहमियत विलायत की है। इस्लाम की बुनियाद पांच चीजें, अहम तरीन चीज इसमें विलायत, बल्कि एक हदीस तो ऐसी पढ़ू जिसका ताल्लुक आज की रात से भी बहुत अहम। आज शबे जुमा, रात से मतलब तीन या चार मुहर्रम वाला मसला नहीं, शबे जुमा। शबे जुमा में अय्याम अज़म है, उमूमन तीन चीजों की जानिब आपके जहन मुतवज्जे करता हूं, दुआ, इमाम जमाना, मौत। ये तीन चीजों को याद करने की रात है, लेकिन इस साल का मौजू ऐसा फैल गया कि मैं तीनों की जानिब नहीं जा रहा, लेकिन कब्र के हवाले से हदीस, जब तक मेरी जबान पे कब्र और अजाब का लफ्ज ना, लोगों को यकीन ही नहीं आता कि मौलाना साजिद हसन साहब पढ़ रहे। और दो दिन मैंने ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी, इसलिए हमारे अनाउंसमेंट करने वाले भी नाम भूल गए कि कौन पढ़ रहा है मजलिस से, इसलिए कि नाजान खबर की बात ना आई, ना कोई सवाल जवाब, ना कोई साहब और बिच्छू। एक हदीस बहुत अहम है, रिवायत की है कि जब कोई मरने वाला आपके खबर में जाता, सख्त तरीन रात, अहम तरीन रात कब्र के अंदर मरने वाले की पहली रात होती। और ये पैगाम इस्लाम ने मुख्तलिफ तरीकों और अंदाज से हमें दिया, जिसमें शहजादी कौरैन की शादी वाली रिवायत भी मौजूद। इस रात रुख्सती हुई थी और शहजादी बयात के साथ रुख्सत होकर शौहर के घर में आई थी, उस रात को भी वहां कब्र की पहली रात याद की गई। वो अहले बैत था, उस रात को भी खबर को याद किया जा रहा और खबर की पहली रात। लेकिन वो रिवायत इस वक्त जरा सा मौजू से हट के होगी और मैं अपने मौजू पे रहना चाहता हूं। तो एक रिवायत, अब वो खबर में पहुंचे गैर मासूम, गुनाह तो किए अरे, गलतियां तो अरे से हुई। अब रिवायत का जुमला ये जो उसने गुनाह किए उसके अजाब उस पर आना शुरू। अब अजाब पूरा पूरी रिवायतें नहीं पढ़ता हूं, लेकिन अजाब क्या होगा तुम,
कहीं से सांप आएगा, कहीं से बिच्छू आएगा, कहीं से आग आएगी, कहीं से कोड़े आएगा। अब तो कन्फर्म हो गया ना कि साथ में फंगस पड़ रहा है। तो खैर अब रिवायत दी कि खबर के अंदर अजाब आना शुरू, उसके राइट साइड, जैसे ही राइट साइड से अजाब आया और ये देख रहा, खबर का मुर्दा देखता भी है, खबर का मुर्दा सुनता भी, हाथ नहीं हिला सकता लेकिन देख रहा है और सुन रहा, और अजाब आ रहा, घबरा गया कि सुबह कौन मुझे बचाएगा, मैं तो इतना बेबस और बेकस हूं कि अपना हाथ भी नहीं हिला सकता। अभी वो परेशान है, ये दो मंजिल है कि ना बाप साथ दे सकता, ना मां साथ दे सकती, ना शरीक हयात साथ दे सकता है, ना बेटा ना बेटी ना भाई ना बहन ना दोस्त ना मां ना दौलत, घबरा रहा। और अरे बात अचानक नूर की बनी हुई एक शक्ल आती, एक नूर आता और वो उसके राइट साइड पे इस तरह आगे खड़ा हो जाता कि हर अजाब को वो रोक रहा, किसी अजाब को इस मरने वाले के करीब नहीं आने दे रहा। और एक मरतबा इसकी निगाह पर और इसने ये देखा कि मेरे लेफ्ट साइड से अजाब आने लगे, ये तो रुक गया होगा, तो अब अजाब लेफ्ट साइड से आ रहा, घबरा गया, देख रहा और अपनी कमजोरी भी महसूस कर रहा, इतना कमजोर हूं कि एक मक्खी भी इस वक्त अपने चेहरे से नहीं उड़ा सकता। और यह अजाब एक मरतबा एक और नूर आया, खबर उसने लेफ्ट साइड के अजाब को रोका, फिर एक बार इसको ऐसा लगा कि मेरे सराहने से अजाब आ रहा, फिर एक नूर आया और उसने सराहने के अजाब को रोका। शबे जुमा हम में से हर एक की यह कहानी है, इस मरहला खबर से हमको गुजरना, एक बार पाइकी की जानी देखा, वहां से भी अजाब आ रहा, फिर वहां भी एक नूर आया और उसने इस अजाब को रोका, और एक बार इसकी निगाह खबर की छत में पड़ी, देखा कि अजाब ऊपर से भी आना शुरू हुआ, और एक पांचवा नूर आया जो इन चारों से ज्यादा रोशनी रखता, इन चारों से ज्यादा मुनव्वर, उसकी लाइट उसकी रोशनी जो है वो इन चारों से बढ़कर वो इसके ऊपर आके रुक गए, और ऊपर से आने वाले हर अजाब को रोक रहा। और जब ये अजाब रुक गए पांचों तरफ, तो अब एक बार ये जो नूर है ये आपस में एक दूसरे से पूछ रहे, तुम हो कौन, एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं और इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। हदीस इमाम की बहुत मशहूर हदीस, रेफरेंस देने का टाइम नहीं है लेकिन है इमाम की हदीस, वो सबसे ज्यादा रोशन नूर मरने वाले ने ऊपर रुका हुआ, उसने पहले दाईं तरफ वाले से पूछा तुम कौन, उसने कहा मैं इस मरने वाले की नमाजी, मैं इस मरने वाले की नमाज। हमारे कौम का एक मिजाज बन गया है कि बाद आज के इबादतों का मजाक उड़ाया जाता, कहां काम आएगी नमाज, क्या खबर में काम आ रहा, और उस नमाज ने कहा कि मैंने इसके इस तरफ के अजाब को रोका हुआ, और फिर इसी तरह जो इसके लेफ्ट साइड के अपना नूर था वो जो ऊपर वाला नूर है जो सबसे ज्यादा रोशन सवाल वो कर रहा तुमको, उसने कहा कि मैं इसका रोजा और मैंने घर के अजाब को रोका हुआ, और फिर एक बार वो सराहने वाला नूर कहता है कि इसकी जकात मैंने घर वाले अजाब को रोका हुआ, पार्टी वाला नूर कहता है कि मैं इसका हज और मैंने इधर वाले नूर को रोका, इधर वाले अजाब को रोका हुआ, ये चारों इबादत चारों तरफ से मरने वाले के अजाब को रोक रही है, अजाब से इसको बचा रही है, मगर आज इन चारों नूरों ने मिलकर पांचवें नूर से कहा तुम कौन हो जो हम सबसे ज्यादा रोशन नजर आ रहे हैं, उसने मुस्कुरा के कहा मैं वो, कि अगर मैं ना होता तो तुम चारों में से कोई भी इस खबर में नहीं आ सकता था, मैं तुम्हारा सरदार हूं, मेरी वजह से तुम यहां पे आए हुए हो। तो चारों ने फिर पलट के पूछा मगर तुम हो कौन, अपना तारुफ तो कराओ, उनको नहीं पूछना, हमें और आपको पैगाम पहुंचाना है, इसलिए इमाम ये अंदाजे बयान इख्तियार कर रहे। वो एक बार ऊपर का नूर फिर कहता है मेरी वजह से तुम आए नमाज, ऐ रोजे मेरी वजह से तुम आके इस खबर में बचा रहे, ऐ जकात तेरी वजह से तुम आकर मरने वाले को अजाब से बचा रहे, ऐ हज तेरी वजह से तुम आ रहे और इसको बचा रहे। चारों ने मिलकर फिर पूछा लेकिन आप हैं कौन, एक बार वो नूर कहता है कि मैं वो विलायत अली इब्न अबी तालिब हूं जिसे ये मरने वाला सारी जिंदगी तस्लीम कर पा रहा। काबिले तवज्जो लफ्ज है, इससे पहले वाली हदीस इस्लाम की बुनियाद बातचीत पर, वहां भी लफ्ज मोहब्बत नहीं आया, लफ्ज विलायत आया, और ये वाली हदीस यहां भी लफ्ज विलायत आया। अब ये हदीस कब्र के अलावा आपने आइम्मा ताहिरीन की जबान मुख्तलिफ अंदाज से सुनी, मैंने कब्र वाली रिवायत का इसलिए इंतखाब किया कि आज शब जुमा है, थोड़ा ये मौजू भी हो, और वो रिवायत आप
مختلف انداز سے پیغام دے رہا کہ نمازی کی نماز کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو, روزے دار کا روزہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے پاس ولایت علی نہ ہو, حاجی کا حج کام نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے پاس ولایت علی نہ ہو, ادا کرنے والے کی زکات کام نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے پاس ولایت علی نہ ہو. یہی تو ولایت نے کہا میں تم سب کی سرتا ہوں, میری وجہ سے تم یہاں آئے ہو, اگر میں اس خبر میں نہ آنے والی ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں آ سکتا تھا. دائیں طرف کا ذات کیا تھا, بائیں طرف کا ذات کیا تھا, سرانے کا ذات کیا تھا, پانچی کا ذات کیا تھا. ایک جملہ اشارہ کر کہ ولایت نے کہا میں سردار ہوں میری وجہ سے یہاں آئے. تو بہرحال نماز روزہ حج زکات کی ایک اہمیت ہے, وہ چار طرف کے عذاب کو روک رہے ہیں, مگر اہمیت اس وقت ہے کہ جب ولایت کے ساتھ یہ عبادتیں ہوں. اور یہیں پر جو چھوٹی حدیث اور سن لی, اور پھر میں آخری بات اس سلسلے کی کہہ کر ابھی بھی تمہید کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے, لیکن وہ ایسی تمہید ہے کہ براہ راست موضوع کا حصہ بن جائے گی. دو حدیث ایک آپ نے کل سن لی, مگر میں نے ذرا جلدی جلدی بیان کی تو کچھ لوگ نہیں سمجھ, اور وہ یہ کہ غدیر خون کا واقعہ آ رہے تمہارے آدمیوں کا قافلہ چلا جو وہ جگہ جو سے چند کلو میٹر چند سو کلو میٹر آ گئے. غدیر خون وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پھر الگ الگ راستے پھوٹتے ہیں, مدینے والے مدینے کی طرف, شام والے شام کی جانب, حبشہ والے حبشہ کی جانب. وہاں پہ روکا, قافلے کو روکا گیا. روکنے کے بعد میرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا, مگر جب یہ قافلہ روکا گیا تو کل جو میں پڑھ چکا اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک تو کس طرح سے روکا گیا, حلیہ علی خیر عمل کا اعلان ہوا کہ آؤ آج بہترین عمل کی جانب تمہیں بلایا جا رہا. یہ بہترین عمل کسے قرار دیا گیا, ولایت کو, ولایت کا اعلان ہونے والا. نمازیں تو یہ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں, حج کو یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں, روزے تو یہ لوگ رکھتے چلے آ رہے ہیں. بہترین خیر العمل, خیر کا لفظ سپرلیٹو ڈگری ہے, یعنی سب سے بہتر عمل کے لیے آج تم کو بلایا جا رہا. اور اب اس کو ملائیے ایک اور حدیث, بہت اہم حدیث, یہ اہم ان معنوں میں ہے, ہر حدیث ہے, مگر یہ اہم ان معنوں میں کہ جن لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی, بعض اوقات اپنے بھول بھانے میں سادگی میں لاعلمی ایک عجیب سوال کرتے, اور یہ سوال مومن کا حق, اچھی بات, کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوال کرے پھر وہ عمل کرے, لیکن اکثر یہ سوال کیا جاتا. اور میں تو اس سوال کا سب سے زیادہ نشانہ بن چکا ہوں. پھر مانو کہ بہرحال میرا بچپنا اور میری جوانی رسویہ سوسائٹی میں گزری, کہ کراچی میں پہلا, اور اس وقت کراچی کے اندر میت کے غسل دینے کی بہت کم جگہ, خارگن کا غسل خانہ تھا, جلدیہ کا غسل خانہ تھا. تو ہر نماز کے وقت دو چار نمازیں جنازہ ہوا کرتی تھی, عام حالات تھے. اب آج کل جو دشمنان احرمین کی وجہ سے واقعات ہیں, لیکن اس وقت اب جب بھی کسی نماز میں جائیں یہ ڈسکشن ہو رہا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا لوگ مجھ سے پوچھ رہے, اس بڑھاپے میں نہیں پوچھتے, تو بچپنے میں آگے کون پوچھتا, لیکن میں اپنے چاروں طرف یہ ڈسکشن دیکھتا. فجر کی نماز میں بحث ہو رہی ہے, پانچ آدمی بیٹھے اور بحث ہو رہی, زہر کی نماز کے لیے گیا 15 آدمی بیٹھے بحث ہو رہی, مغرب کے لیے گیا 25 آدمی بیٹھے اور ہوتا, اور وہ عجیب بہت ہے. بحث کیا ہوتی, بحث ہی ہوتی کہ بھائی نماز جنازہ, عید کی نماز ایسی خوش قسمت نماز ہے کہ سب پڑھ لیتے, بے نمازی بھی پڑھ لیتا, اور ایک جنازے کی نماز ایسی خوش قسمت نماز ہے کہ لوگ آ ضرور جاتے ہیں نماز جنازہ میں شریک ہو جاتے, قبرستان تک آدھے لوگ جاتے ہیں نماز جنازہ میں سوال. اب بحث کیوں ہو رہی ہے مولانا حسینی, میں تو ابھی بچہ ہوں, میں تو جوان ہوں, میں تو بوڑھا ہو کر بھی جاہل ہوں, لیکن جو ہمارے قابل احترام علماء کرام اس کا سوسائٹی میں رہتے تھے کوئی نماز پڑھا رہا ہے, کوئی جنازہ پڑھا رہا. مولانا ہمیں تو پتا ہے مرنے والا کون, اگر پتا بھی ہے تو بتانا حرام ہے, لیکن وہ بتا رہا. مولانا اس کی برائی نہیں کرنا چاہتے, لیکن اب مسئلہ شرعی مسئلہ, ہمیں پتا ہے یہ آدمی بے نماز, ہمیں پتا ہے یہ آدمی داڑھی منڈا, ہمیں پتا ہے کہ یہ عورت بے حجاب ہے, اور ایسی بے حجاب ہے کہ اس کی میت پہ سب رو رہے ہیں, جبرائیل ہنس رہے ہیں. وہ حدیث, اب دیکھیے میں مشہور حدیث سے اشارہ کرتا ہوں, آدھا مجمع سمجھ جاتا ہے کہ مولانا آگے نہ کہیے گا, ہمیں معلوم ہے آدھا مجمع کہتا تو سمجھ میں نہیں آئے. پیغمبر نے ایک بات پوچھا تھا نا کہ اے جبرائیل فرشتے کبھی ہنستے یا روتے ہیں, کہا کہ یا رسول اللہ فرشتوں میں وہ خوبیاں شہوانیاں نہیں ہیں تو وہ انسانی جذبات کو نہیں,
मगर तीन बार रोते हैं और तीन बार हंसते हैं, और तीन में से एक बार वो जब ऐसी औरत कब्र में उतारा जा रहा हो और ऐलान किया जा रहा हो कि भाई खाली महरम करीब आके चेहरा देख ले और कोई ना महरम करीब ना आने पाए, और औरत को है कि सारी जिंदगी बेहिजाब घर से बाहर निकले। अब हिजाबी की भी डिग्रियां होती तो खाली है कि सर के बाल खुले बाकी सारा जिसम फायदे के लिबास से छुपा, एक वो कि सारा जिसम दावत नजारा देख रहा और इसमें हंस हंस के कहते अजीब बात। अब यह कब्र में जाके गलने वाली है, सड़ने वाली है, डिकम्पोज होने वाली है, इसके करीब करीब रिश्तेदार भी इसका नक्शा देखने को तैयार नहीं होगी, तब को इसको इतना छुपाया जा रहा है और ऐसा कफन पहनाया गया और कोई नामहरम ना है, और जब देखने के काबिल थी तो सारी दुनिया को दावतें नजारा दी जा रही है, आओ और आकर देखो। खासतौर पर उन मर्दों की बात जो अपने साथ इस अंदाज से अपने घर की खवातीन को लेकर चलते हैं कि एडवर्टाइज बनता है, लेकिन चाहे टाइम से पहले मैंने बहुत ओवरडोज टाइप का इंजेक्शन लगा दिया, तो मैं वापिस आता हूं। मैया लोग रो रहे हैं सिवाय फरिश्तों के जो हंस रहे हैं। अगर सारी औरतें ऐसी नहीं, वहां खदीजा ताहिरा की मानने वालियां, फातिमा ज़हरा की कनीजें, ज़ैनब कुबरा की बेटियां ऐसी भी हैं जो इस्लामी माहौल से ज्यादा गैर इस्लामी माहौल में अपना हिजाब बचा के चल रहे हैं। लेकिन हिजाब जरा वक्त से पहले बात चल गई, बात क्या हो रही कि मौलाना हमको बताया कि इसमें क्या खराबी, फिर कोई और साहब आ गया कहीं तो शराबी भी था, अरे ये तो जुआ खेलता था और खिलाता था, अरे ये तो मानव म्यूजिशियन या सिंगर या गुलकार था, तो सारे हराम है, मसला भी इस तरह नहीं पूछा जाता। लेकिन खैर अब बात हो रही, हम इसकी नमाजें जनाजा पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते, पढ़िए नमाजें जनाजा, हमारी दिखा में तो नमाज जनाजा हर मुसलमान की वाजिब है, चाहे खुदकुशी कर गई क्यों ना मरा, नहीं मौलाना मसला ये नहीं, मसला ये कि नमाज जनाजा के आखिर लेडीज के लिए शायद ये जुमले मेरे समझ में ना रहे हो, क्योंकि लेडीज उमूमन नमाज जनाजा नहीं पढ़ती। मौलाना नमाज जनाजा में जो जुमला है खुदा, मरने वाले के बारे में हमको पता है कि ये खैर ही खैर पर, खैर अरबी में सुपरलेटिव डिग्री है, खैर के माने अच्छा नहीं है, खैर के माने सबसे अच्छा, खैर के माने गुड नहीं है, खैर के माने बेस्ट। अब मौलाना नमाज जनाजा में खड़े होकर अल्लाह के सामने कैसे करें, तो विटनेस बन रहे हैं ना, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैर, या ला नालमु मिन्हा अगर औरत है इल्ला खैर, खुदा बंदा गवाही देते कि ये आदमी खैर ही खैर पर था, बेनमाजी है कैसे गवाही दे, शराबी है कैसे गवाही दे, फाजिल को बाजिल गुनाहगार है कैसे गवाही दे। अब एक मसला, हर तकरीबन हर दूसरे तीसरे जनाजे पर डिस्कशन होता, इसी तरह मरने वाले के साथ एक शहादतनामा रखा जाता, 40 मोमिनीन से उस पर दस्तखत करवाओ तो बहुत अच्छा, उसमें भी ये जुमला होता कि हम गवाही देते हैं कि खैर पर। तो मसला यह है कि मुत्तकी परेशान, इंसान परेशान हो रहा, बल्कि जो मरने वाले के कैटेगरी के लोग हैं वो भी वहां दुखद परेशान होते हैं। मौलाना गुना अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के सामने कैसे करेंगे खैर, हमें तो पता है ना ये तो 24 घंटे हमारे साथ उठने बैठने वाले, हम दोनों शराब का एक ही जान तो आधा आधा शेयर किया करते, और हम कैसे कहते कि ला नालमु मिन्हु इल्ला खैर। अब एक सवाल, और अब इसका जवाब भी बड़ा अजीब हो जाता है, तो बहुत से लोग कहते हैं हाँ भाई ये तो बहुत, ये जुमला आपने जो तर्जमा कर दिया ये तो बहुत बड़ा मसला है, वहां हम कैसे दवाई अल्लाह के सामने तो झूठ नहीं बोल सकते, बोला अपने घर की बात है वो अलग चीज है, मगर ये सवाल किसी ने इमाम मासूम से नहीं पूछा। इमाम मासूम ने जवाब दिया, मरने वाला अली की विलायत को मानता था कि नहीं, कब मरा वो तो मानता था, विलायत के अली वाला तो था, कहा कि जाके गवाही दो, इसलिए कि नमाज जनाजा में तुमसे मरने वाले के किरदार की गवाही नहीं मांगी जा रही है, चादर खाने में तुमसे मरने वाले के किरदार की गवाही नहीं मांगी जा रही, तुमसे मरने वाले के अकीदे की गवाही मांगी जा रही, यहां खैर से मतलब
वही हल्ला खैर अमल है जो हजीर खुद में ऐलान हुआ था। तुम गवाही देते हो, अरे खुदा हम जानते हैं कि ये शख्स खैर पर था, यानी हम जानते हैं ये शख्स हजी की विनायक अपने दिल में रखे गया, इससे बेहतर खैर इस कायनात में कोई नहीं। और ये इतना अहम खैर, इतना अहम खैर, अभी जुमला में बहुत खड़ा कर गया, लेकिन कुरान करीम की आयत और मेरी गुफ्तगु आज इख्तिताम को पहुंची। कुरान करीम की आयत वो हमको इस मसले सबसे बड़ी दलील बन के मिलती कि देखिए विलायत इतना अहम मसला है। विलायत अलबत्ता जैसा मैंने पहले दिन कहा था, आज फिर रिपीट कर कि अली की विलायत उस वक्त समझ में आएगी जब पहले रसूल की विलायत समझ में आए, क्योंकि रसूल ने कहा मन कुन तो मौला, पहले अपनी विलायत बताई। और रसूल की विलायत उस वक्त समझ में आएगी जब पहले अल्लाह की विलायत समझ में आए। ये विलायतों का सिलसिला लेकिन मुकम्मल हुआ अली की जात पर, और फिर ये जरा बारह इमामों पर, और गैबत में आके फकीर की विलायत लेके अली की विलायत फकीर खुन में जब ऐलान हुआ, मैंने कहा ना ये बेहतरीन अमल बना। अब आइए आखिरी बात करके आज की गुफ्तगु खत्म करूं, और कल से इंशाल्लाह बहुत एक विलायत वो विलायत है क्या जिसमें मैं तीन दिन से उसकी अहमियत बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये फकीर खुन के मैदान विलायत अली का जब ऐलान हो रहा, उस वक्त तौहीद परवरदिगार आ चुकी थी और 23 साल से रसूलुल्लाह कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुम रहे, उस वक्त नबूवत और रिसालत का पैगाम पहुंच चुका, कुरान तकरीबन तकरीबन एक आध आयत को छोड़ के मुकम्मल हो चुका, सारे फुरू यकीन आ चुके, सारी शरीयत आ चुकी। खुतबा फकीर में रसूल का एक जुमला कि मैंने तुम्हें हर वो चीज बता दी जो तुम्हें अल्लाह से करीब करती, सारे वाजिबात तुम उत्साह पाता, और हर वो चीज बता दी जो तुम्हें अल्लाह से दूर करती, सारे हराम और मकरूह आ गए, पूरी शरीयत भी आ चुकी है, तौहीद आ गई, रिसालत आ गई, कुरान आ गया, शरीयत आ गई, हलाल हराम आ गया, नमाज रोजा आ गया, ज़कात और जिहाद आ गया, और हज आ गया, सब आ गया, मगर अभी दीन मुकम्मल नहीं हुआ। अभी तक दीन को नामुकम्मल कहा जा रहा, तौहीद के आने के बाद भी दीन नामुकम्मल, रिसालत के बाद भी दीन नामुकम्मल, कुरान के बाद भी दीन नामुकम्मल, हलाल और हराम की शरीयत के बाद भी दीन नामुकम्मल, इबादतों के बाद भी दीन नामुकम्मल, नमाज और हज के बाद भी दीन नामुकम्मल है। इधर ऐलान हुआ अली आज से तुम्हारा वली है, मनकुन तो मौला वहाद अली मौला, उधर जिब्राइल आयत लेके आज अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन अब आके कामिल हुआ, तौहीद पे कामिल नहीं होता, रिसालत पे कामिल नहीं होता, इबादतों में कामिल नहीं होता, कुरान पे कामिल नहीं होता, दीन कामिल होता है जब अली की विलायत का ऐलान किया जा रहा है। लेकिन कामिल कब होगा? जब ऐलान विलायत आएगा। तो ये विलायत वो अहम तरीन फरीदा कि अगर कुरान की जिस आयत में मैंने बात शुरू उसको इस आयत से मिलाया जाए जिसमें मैंने बात खत्म, दोनों हदीर खुन की आयत थी। पहली आयत जो मैंने तिलावत की वो गदीर के शुरू में आई, अभी जो आयत मैंने तिलावत की गदीर के आखिर में आई, कि अगर दोनों को मिलाया जाए कि ऐ रसूल ये ऐलान तुमने ना किया तो गोया रिसालत को कोई पैगाम ना पहुंचाया, इसलिए कि आदम नामुकम्मल दीन ला सकते हैं तो ही नहीं कर रहा, नू नामुकम्मल दीन ला सकते हैं, इब्राहिम ईसा मूसा नामुकम्मल दीन ला सकते हैं, पैगंबर का फरीदा है मुकम्मल दीन लाना। तो जब तक कि विलायत यानी विलायत का पैगाम ना आएगा दीन नामुकम्मल रहेगा। लेकिन ये है क्या चीज विलायत? क्या हम और आप जो अपनी जगह मोहब्बत अकीदत विलायत सबको एक जैसा समझ रहे हैं, ये ख्याल सही है? नहीं, यह ख्याल सही। मोहब्बत अलग थी चुना क्या बात, खैर मुस्लिमों में भी मोहब्बत के अहम थे। अली की शख्सियत एक नदियों मानाई शख्सियत, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी के हीरो होते उनसे बढ़कर मेरा मौत, कितने खैर मुस्लिमों ने अली की अजमत को माना। अकीदत हुसैन से कितनी अकीदत, बात शिर्क करने वाले भी करते हैं, किस अंदाज से हुसैन का मानन भी करते हैं। विलायत कुछ और चीज, मोहब्बत